डबल एंडेड कोन का अपेटस है। ओके, जब हम इसे मूव करते हैं थोड़ा सा पुश करने के बाद, तो ये रेगुलरली लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट मूव करता है, ठीक है ना। अब इसमें होता है क्या है, जो सेंटर पे इसकी ग्रेविटी होती है, वो सेंटर ग्रेविटी के कारण इसमें एनर्जी होती है ग्रेविटी में, जिसके कारण ये उस एनर्जी से इसका क्या करता है, ये मूविंग करता है, ठीक है ना। कैसे? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है, डबल एंडेड कोन, ये एक कोन है और ये पूरा का पूरा एक अपेटस डबल एंडेड कोन का मॉडल है, अपेटस, ठीक है। अब इसमें है क्या, बीच में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी में सेंटर में रहती है, अपन ने यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे यहाँ बॉल, जी हाँ, ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, यहाँ पर जो अपन ने पिछले वीडियो में बॉल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण बॉल बहुत तेज हो जा रही थी, हाँ, नीचे आने पर, जो ग्रेविटी होती है वो तो यहाँ पर भी वही चीज़ लागू हुई, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में रहती है, ठीक, तो उससे क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है ना। जब इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है तो ये क्या करने लगता है, अब इसमें मूव करेगा, क्योंकि जब हमारे पास एनर्जी होती है तभी हम मूव करते हैं, तो इसमें भी वही फंडा होता है कि जब इसमें एनर्जी इसको रिसीव होगी तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। कैसे? ठीक है, मतलब डबल एंडेड कोन ये एक कोन है, ये डबल कोन कहलाया। आप यहाँ से देखोगे, अगर इसको मैं सिर्फ इतना दिखाऊँ आपको, ये एक प्रकार का कोन है और दो कोनों को जोड़ के बनाया गया है ये, इसको कहते हैं अपन डबल एंडेड कोन, है ना। तो ये जब इस, ये भी एक कोन की तरह बना हुआ है, ठीक ठीक, जब इस उपकरण पे रखा हुआ है ये, तो अपन देख रहे हैं कि वैसे तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये लोहे की ढाल किस तरफ है, नीचे की तरफ गई है, ऊपर से नीचे की तरफ, इधर भी लोहे की ढाल ऊपर से नीचे की तरफ गई है। अमूमन क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ को हमने देखा है कि ऊपर से छोड़ेंगे तो हमेशा ढाल की तरफ ही भागेगी, चाहे वो तरल हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे है ना कोई भी हो, अपन कंचा भी हो, लिक्विड सॉलिड कोई भी स्टेट हो, अपन छोड़ेंगे तो हमेशा ढाल की तरफ ही भागेगा। पर यहाँ ये डबल साइडेड कोन है, जो देखिए आप, अपन देख रहे हैं, अपन इसको हल्का सा ऐसे मूव कर रहे हैं, ढाल से, ढाल से वापस चढ़ाई की तरफ मूव करता है, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी है जो इसको वापस अपनी तरफ खींच रही है। हाँ, यहाँ पर अलग ही दिख रही है, देखिए ये ढाल की तरफ आया, फिर ऑटोमेटिकली ये अपने आप, यहाँ हम इसको छू भी नहीं रहे, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है, चढ़ाई चढ़ रहा है वापस, बिना किसी इसको, ना इसको ढकेला गया है, हमने सिर्फ इसको मूव किया ढाल की तरफ, हमने सिर्फ मूव किया ढाल की तरफ, और ये अपने आप रिटर्न होता है। यानी यहाँ सेंटर पर कोई ना कोई ऐसी ताकत है, ऐसी कोई शक्ति है जो इसको खींच रही है, और उसे के हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसका उसको एनर्जी मिल रही है, और जब तक इसमें एनर्जी रहेगी तब तक ये मूविंग करता है। इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण इसको एनर्जी मिल रही है, और जब तक इसको एनर्जी मिलती रहेगी ये मूव करता रहेगा। तो ये एनर्जी साहू जी, एनर्जी जो है ये कब तक इसको मिलती रहेगी, ऐसा अपन क्या मान सकते कि इसको कब तक एनर्जी मिलती रहेगी? अगर आप कह रहे हो कि यहाँ ऐसी कोई शक्ति जो इसको एनर्जी देती रहे, तो ये पूरे समय मूव क्यों नहीं करता, एक समय आके रुक क्यों जाता फिर? वो इसलिए कि जब तक इसमें एनर्जी होती है, ग्रेविटी एक एनर्जी है, ठीक है ना, जो इसको मिल रही है, जब ये मूविंग करती रहेगी तब, क्योंकि इसमें एनर्जी मिल रही है इसको, ठीक है ना, तो एक समय ऐसा आता है कि ये धीरे धीरे क्या कह जाता है, ये रुक जाती है, ठीक है ना, तो इसको फिर थोड़ा सा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, जिसके कारण इसको किस डायरेक्शन पर मूव करना, लेफ्ट की राइट, फिर जब किसी डायरेक्शन देने के बाद फिर ये क्या करता है, मूव होने लगता है, ठीक है, ठीक है। और ये रुक इस वजह से जाती है क्योंकि जब इसमें एनर्जी धीरे धीरे जब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाती है, जैसे कि ये रुकती है, ठीक है। जैसे साहू जी के मुताबिक बताया गया अपन को, क्योंकि अपन ने पढ़ चुके हैं पहले भी, उसके पहले वाली वीडियो में अपन देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण बॉल कैसे तेजी से मूव करती है, यानी वो अपनी शक्ति से जब बॉल को खींचती है तो वो और तेज उसकी तरफ जाती है, ऐसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको यहाँ खींच रही है और अपनी तरफ मूव करा रही है ढाल से चढ़ाई की तरफ, अलग ही अपन को शक्ति का पता चल रहा है। दूसरी बात, जब हमने इनसे पूछा है कि ये मूव करते करते रुक क्यों जाता है, पूरे समय मूव क्यों नहीं करता रहता है, तो हर जगह है, घर्षण में क्या होता है, जो स्पीड को कम कर देता है धीरे धीरे, ठीक है, इसमें भी घर्षण होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर्षण का जो मेन चीज़ वो फंडामेंटल है, वो किसी चीज़ को गति को कम कर देता है, ठीक है ना, इसमें वो चीज़ आई थिंक नहीं है, इसमें ऐसा उसमें डिस्क्राइब भी नहीं किया गया है, अच्छा, इसलिए हमें बोल नहीं सकता इसमें। अच्छा,